हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको गेम डेवलपमेंट में इंटर्नशिप करनी है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, गेम डेवलपमेंट के अंदर आज की तारीख में कंपनीज जो है वो काफ़ी लिमिटेड है और जो टैलेंट गेम डेवलपमेंट में आना चाहता है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हर कोई गेम डेवलपर बनना चाहता है, राइट? बीट अ गेम आर्टिस्ट, बीट अ गेम प्रोग्रामर, बीट अ गेम टेस्टर, कोई ना कोई जॉब रोल्स में से हर कोई चाहता है कि वो गेम इंडस्ट्री में आए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गेटिंग अ जॉब और क्रिएटिंग देयर ओन गेम्स। बट अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर खुद के गेम्स बनाने हैं, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट वेज इज टू एक्चुअली फर्स्ट गेन एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, अगर आपको इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस गेन करना है तो वहाँ पर बेसिक लेवल के फ्रेशर लेवल पोजीशन में भी आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ एक बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो इन दैट केस द आंसर इज इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स डू नॉट रिक्वायर यू टू हैव एनी एक्सपीरियंस। आप एक कंप्लीट फ्रेशर हो सकते हो जिसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है विद रिगार्ड्स टू गेम डेवलपमेंट, बस पैशन से भरे हो और थोड़े बहुत टूल्स की इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत आपने सीखा है ऑनलाइन रिसोर्सेज से, तो तब जाके आप एलिजिबल हो सकते हो फॉर एन इंटर्नशिप। अब मैं आपको वार्न कर देता हूँ, गेम डेवलपमेंट में आना बहुत लोग चाहते हैं बट जॉब रोल्स काफ़ी लिमिटेड है। तो अगर आपको इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही है तो कीप ट्राइंग, क्योंकि कभी ना कभी आपको, जब तक कंसिस्टेंटली ट्राई करोगे वो चांसेस आपके है, राइट? अगर आपने गिवअप कर दिया तो यार कुछ नहीं होने वाला। गिवअप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको एक कंपनी में इंटर्नशिप नहीं मिला तो दूसरी कंपनी में मिल जाएगा, दूसरे में नहीं मिला तीसरे में, सो ऑन सो फोर्थ। तो सबसे पहली चीज़ एज एन इंटर्न आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। आपका रिसर्च बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप पहले एक लिस्ट निकालो, इंडिया में कितनी गेम डेवलपमेंट कंपनीज है, सबके वेबसाइट्स ढूंढ के निकालो, सबके कंपनी के एचआर के ईमेल एड्रेसेस ढूंढ के निकालो, उनके लिंक्डइन पेजेस को जाके फॉलो करो और वहाँ पे कंपनी को प्रॉपरली स्टडी करो। फिर वो सारी लिस्ट में से आपकी फेवरेट कंपनीज को लिस्ट आउट करो, पिक करो कि ठीक है मैंने 100 गेमिंग कंपनीज की लिस्ट बनाई है, 100 में से ये 20 कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे मैं काम करना चाहूँगा, और उन 20 में से सारी की सारी कंपनीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालिए और फाइंड आउट करिए कि आप वहाँ पे कहाँ पे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई एक कंपनी ढूंढी है जो लोग क्लाइंट सर्विसिंग में है, फॉर एग्जांपल, राइट? और आपको पता है कि वो क्लाइंट सर्विसिंग वीआर क्लाइंट्स में ज़्यादा करते हैं, तो आपके पास अगर वो वीआर की तरफ काम करने का एक्सपर्टीज है या फिर इंटरेस्ट है तो आप उस हिसाब से कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हो कि मैं आपकी जो वीआर डिवीजन में है वहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ एज अ गेम प्रोग्रामर और गेम आर्टिस्ट और व्हाटएवर, राइट? तो वो रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उनकी साइड पे जाके सोचिए। सबसे पहले अगर आपको, ये मेरा एक तरीका रहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ किसी से मांगनी है, तो वहाँ पे आप सामने वाले के सामने क्या ऑफर रख रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उनके नज़रिए से सोचो कि अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते। अगर बेसिकली आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आप खुद को इंटरव्यूअर के रोल में जाके देखिए कि मैं जिस कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ क्या उनको मेरी ज़रूरत है। डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट दे विल हायर यू, बट प्राइमरी गोल आपका ये रहता है कि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उनके बारे में पता ही नहीं है तो यार डेफिनेटली वहाँ पे तो एक ब्लैंक स्लेट हो जाती है और वहाँ पे आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसी सेम पोजीशन के लिए 10 और लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट? तो आपको बेसिकली खुद के पोर्टफोलियो को, खुद की पिच को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ पिच, जो यूजुअली फंड रेजिंग में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आप अपनी कंपनी को इन्वेस्टर्स के सामने रखते हो और पिच करते हो, राइट? ये जो प्रोसेस रहता है वेरी मच सिमिलर रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को पिच कर रहे हो, आप कंपनी के सामने बता रहे हो कि बॉस मैं ये स्किल्स में एक्सपर्ट हूँ, मुझे ये चीज़ मे बी पूरी तरीके से नहीं आती, वहाँ पे आप ऑनेस्ट भी रह सकते हो, बट मैं सीखने को रेडी हूँ, मैं एक्स्ट्रा टाइम देने को रेडी हूँ, मैं खुद को पॉलिश करने को रेडी हूँ और इस फील्ड में मेरा एक्चुअल जेन्युइन इंटरेस्ट है। अगर वो चीज़ सामने वाले के साथ क्लिक हो जाती है तो गारंटीड के साथ कह सकता हूँ वो लोग आपको हायर करेंगे। तो एज एन इंटर्न आपके ऊपर ये तो प्रेशर नहीं रहता कि यार मेरे को एक्सपीरियंस क्या दिखाना है, बट आपको क्या चीज़ दिखानी है, एक बेसिक सा एक रेज्यूमे और एक उसके साथ कवर लेटर, और साथ में अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है इन योर स्पेयर टाइम वो दिखाओगे तो आपके रेज्यूमे, आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा वेटेज मिलेगा। बेसिकली आपको करना ये है, इंटर्नशिप के लिए अगर अप्लाई करना है तो एटलीस्ट जो टूल्स आप सीख सकते हो वो सीख लीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी इंटर्न को ट्रेन करने के लिए हायर नहीं करती,
वो इंटर्न्स को हायर करती है उनके लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए, राइट। तो अगर आप एक इंटर्न हो तो जैसे मैंने बोला कंपनी की नज़र से आप सोचिए, कंपनी आपको हायर करने वाली है सीधा लाइव प्रोजेक्ट पे डालने के लिए, राइट। तो वहाँ पे वो लोग एक दो हफ्ते की ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकते हैं, वो दो दो तीन तीन महीने की ट्रेनिंग आपको नहीं देने वाले। वो आपकी प्रोफाइल में देखेंगे कि आपको ओके, अगर आप यूनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यूनिटी के बेसिक्स आते हैं, ठीक है, टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास वो चलेगा, बट यूनिटी के बेसिक्स आते हैं कि आपको स्क्रिप्ट बनाना आता है अगर आप प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, कि आप अगर आप आर्टिस्ट हो तो फिर आपको 3D मॉडल्स बनाने के बेसिक्स आते हैं, राइट। अगर वो आता है तो आप डेफिनेटली क्वालिफाइड हो टू बी एन इंटर्न एट दैट स्पेसिफिक कंपनी। अब बात करते हैं एग्जैक्टली कैसे ढूंढे। तो मैंने जैसे बोला वेबसाइट्स जाइए, वेबसाइट्स के ऊपर जाइए, कंपनी की वेबसाइट ओपन कीजिए, उनके हायरिंग सेक्शन में जाके देखिए, उनकी लिस्टिंग देखिए, जॉब लिस्टिंग्स देखिए, उनके लिंक्डइन के ऊपर जाके देखिए कि कौन कौन उस कंपनी में काम करता है, उनके हायरिंग मैनेजर या HR के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और फिर उनको अपना प्रोफाइल सेंड कीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप कंपनीज को अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिस्पॉन्स आता भी नहीं है, राइट। तो इन दैट केस आपको बस पेशेंस रखना है और आपको ट्राई करते जाना है, राइट। हो सकता है कि आप जो पोजिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वही सेम पोजीशन की लिस्टिंग अभी अभी कंपनी ने ओपन की है और उनको एक ही दिन में 20-25 रेज्यूमेज आ गए वही सेम पोजीशन के लिए। तो ऑन अ कंपनी लेवल समटाइम्स इट इज़ डिफिकल्ट टू रीच आउट टू ईच एंड एवरीवन इन मोस्ट केसेस, बट इन दैट केस आपको हार नहीं माननी है, आपको ट्राई करते जाना है, कीप ट्राइंग टिल यू सक्सीड। ये एक सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको बताऊंगा, राइट। एंड जब भी आप रीच आउट करते हो प्लीज़ 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 अच्छा मेल लिखिए। मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, काफ़ी सारे मेल्स जो इवन मुझे आते हैं वहाँ पे लोग एक क्लासिक गलती करते हैं और ये मैं बहुत सारे ईमेल्स में एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो लोग अपना इंट्रोडक्शन पूरा सब्जेक्ट लाइन में डाल देते हैं। प्लीज़ दोस्तों ये गलती मत करना, ये एक बहुत रॉन्ग और नेगेटिव इंप्रेशन देता है आपकी प्रोफाइल का एट द वेरी बिगिनिंग। तो बेसिक ईमेल एटिक्वेट्स तो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं हो तो सामने वाले को ऐसा इंप्रेशन जाता है कि बंदे को कम्युनिकेट करना नहीं आता। एंड कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स टू पोजेस टू गेट एनी जॉब, बीट अ बेसिक जॉब, आपको इंटर्नशिप हो या फिर हाई लेवल पोजिशन हो। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अगर आप अपनी बात को आगे रखना नहीं आता आपको एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर ढंग से, एक पर्टिकुलर यू नो वे ऑफ स्पीकिंग से या राइटिंग से, तो वहाँ पर आप मात खाओ जाओगे, राइट। सो दैट इज़ वाई लर्न प्रॉपर ईमेल एटिक्वेट्स, टाइपिंग करना प्रॉपरली सीखो, कैपिटलाइजेशन के ऊपर ध्यान दो, राइट। और अगर आपने लिखा है मेल के अंदर कि प्लीज़ फाइंड माई रेज्यूमे अटैच्ड, तो वहाँ पे अटैचमेंट को अटैच करना मत भूलो। ये बहुत बेसिक चीज़ मैं बोल रहा हूँ आई नो, बट ये बेसिक चीज़ में भी बहुत सारे लोग जो है वो मात खा जाते हैं। तो प्लीज़ ये मिस्टेक्स मत करना, सब्जेक्ट लाइन में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी मत लिखना, एंड जो भी आप मेल्स लिख रहे हो उसमें खुद की ज़रूरत कभी मत दिखाना। ऐसा कभी मत बोलना कि मुझे ये जॉब की सख्त ज़रूरत है, मैं ये जॉब मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डू नॉट कीप इट इमोशनल, बिकॉज आप सिलेक्ट किए जाओगे आपकी स्किल्स के ऊपर, नॉट आपकी बैक स्टोरी के ऊपर। सो प्लीज़ डू नॉट पोर्ट्रे एनी इमोशंस व्हेन यू आर राइटिंग एन ईमेल, राइट। एंड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट योर स्किल्स। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आती ओपनली बोल दो, बिकॉज वो चीज़ कहीं ना कहीं पे आगे जाके आपकी पोर्टफोलियो को हर्ट करेगा, राइट। सो बी ऑनेस्ट, सेकेंडली कीप ट्राइंग, थर्ड डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड इफ यू डोंट रिसीव एनी रिस्पॉन्स, एंड फोर्थ ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, एंड दैट इज़ बेसिकली हाउ यू विल फाइंड एन इंटर्नशिप इन गेम डेवलपमेंट। दोस्तों इतना ही कहना था इस वीडियो के लिए, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।